सेकंड मेथड है कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया था ए रेशियो बी आपका 2/3 है, तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए 2 का मल्टीपल होगा और बी जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो उसी तरीके से आप यहां पर देखिए, अगर ये और ये आपका 10:1 में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 10 का मल्टीपल होगा और ये आपका 1 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब अगर ये 10 का मल्टीपल है, 10a² + ab, अगर ये आपका 10 का मल्टीपल है, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म तो आपका ऑलरेडी 10 का मल्टीपल है, ये जो हमने फर्स्ट टर्म यहां पर लिखा, देखिए ये 10 का मल्टीपल होगा और ये 1 का मल्टीपल होगा। अब देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका किसका मल्टीपल होगा, ये आपका 10 का मल्टीपल होगा। ये फर्स्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपका ऑलरेडी 10 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इस पूरे टर्म को 10 का मल्टीपल होने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी भी आपका 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। देखिए ये फर्स्ट टर्म आपका ऑलरेडी 10 का मल्टीपल है, इस पूरे टर्म का 10 का मल्टीपल होने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी भी आपका 10 का मल्टीपल होगा। अब देखिए ए बी आपका 10 का मल्टीपल किस केस में मिलेगा, देखिए इस केस में मिलेगा, क्योंकि 5 × 2 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 4। रेशियो बी इज इक्वल टू 2/5 होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि ए आपका 2 के हो जाएगा और बी आपका 5 के हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए यहां से, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा 10k² है, 10k², तो ए बी किसका मल्टीपल है, ए बी आपका यहां पर 10 का मल्टीपल है, तो 10 का मल्टीपल केवल आपको फोर्थ केस में मिलेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। मान लीजिए कि ए रेशियो बी आपका 2/3 आपको ये गिवन है, और मान लीजिए कि आपका जो ये ए और बी का जो सम है, ए बी का जो सम है वो आपका 20 गिवेन है, आपको फाइंड करना है ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ए और बी इस रेशियो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ए और बी का जो सम है ए प्लस बी जो है वो आपका 20 है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ए जो होगा वो आपका 2 का मल्टीपल होगा और बी जो होगा वो आपका 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप इसको यहां पर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी आपका हो जाएगा 2k + 3k = 20, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5k = 20, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगा, यानी ये k की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 4 हो गई। तो आप 4 वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 8, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। यानी ये क्योंकि ये हमें पता है कि 2 का मल्टीपल होगा, a 2 का मल्टीपल होगा, b 3 का मल्टीपल होगा, तो यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको सम गिवन था, सम कितना गिवन था, सम आपको गिवन था 20, तो आपने क्या किया, आप इसका सम कैलकुलेट कीजिए, इसका सम क्या हो जाएगा 2+3, यानी इसका सम हो जाएगा आपका 5। तो ये k की वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्टली इसको 20 में डिवाइड कर दीजिए, तो 20/5, तो आपको ये k की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशंस बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी देखिए वही काम हो रहा है, ये जो सम हो रहा है 2+3 = 5 और ये 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इनका सम कीजिए और 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये k की वैल्यू मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर आपको डिफरेंस गिवन हो, यहाँ पर मान लीजिए आपका 20 हो, ये डिफरेंस मान लीजिए अगर 20 है, देन अगर हम आपसे पूछें कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आप यहां पर भी यही काम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, देखिए आपको डिफरेंस गिवन है b - a = 20, फिर आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप यहां पर डिफरेंस ले लीजिए b - a, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, तो वो कांस्टेंट k की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 20/1 = 20, तो यहां पर k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं a आपका हो जाएगा 2 × 20 और b आपका हो जाएगा 3 × 20, तो ये आपका हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 60। देखिए इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो आपको 20 ही मिलेगा। तो डिफरेंस गिवन है तो देन डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, के की वैल्यू लीजिए और उसका उसको कांस्टेंट का आप मल्टीपल कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये वही काम हो रहा है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ए जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, बी जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो b - a क्या हो जाएगा, b - a आपका हो जाएगा 3k - 2k, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका k हो जाएगा, और ये कितना गिवन है, ये आपको 20 गिवन है। तो ये वही काम हो रहा है कि देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 - 2 कर रहे हैं और फिर इसको यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो काम हमने वहां पर डायरेक्ट कर दिया है, और वो k की वैल्यू निकाल करके वो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं।